ये मजलिस बचाओ तहरीक जो है जो आंध्रा और तेलंगाना में जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है वो जॉइंट एक्शन कमेटी में वन ऑफ द पार्टनर है। और जैसे ही ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आई तो सबसे पहले जो है हमारे जो कन्वेनर है जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जो है कि तमाम को दावत दी गई थी, तमाम को यानी इंक्लूडिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी दावत दी गई थी। खुद जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने उनके मैं समझता हूं कि एमएलए से पर्सनली फोन पे भी बात किया, दावतनामा भेजा। अब इजलास हुआ, हमको भी दावतनामा दिए थे, हम भी गए थे। उसमें यह तय किया गया था कि ये जो सीएबी बिल पेश किया जा रहा है इसके ऊपर हमको एहतजाज करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ ना मुसलमानों के खिलाफ में है बल्कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कत्लेआम किया जा रहा है इसमें। अब दूसरी चीज ये हुई कि उसमें जो है पूरे आंध्रा और तेलंगाना में एहतजाज करना, एक 1 मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था। तो फिर दूसरी मीटिंग यानी ये 1 मिलियन मार्च की डेट को तय करने के लिए दूसरी मीटिंग ख्वाजा मेंशन मासा टैंक पे तय की गई थी। फिर दूसरी मीटिंग के वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन से मिली और उनके सदर को दावत दी गई थी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। दूसरी मीटिंग में भी वो लोग हाजिर नहीं हुए। हमारा जो 28 का जो प्रोग्राम था, 26 के दिन जो है शहर के कोतवाल साहब जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर इस मसले पर जो है एक ट्वीट करते हैं कि कोई परमिशन नहीं दिया गया। तो हम लोग जो है 26 तारीख के दिन ही कमिश्नर साहब से मिले। मिलने के बाद में कमिश्नर साहब ने यह कहा कि कोई 2 या 3 मुकामात आप बताइए नेकलेस रोड छोड़कर। तो हमने उन पर ही छोड़ दिया। 2 बजे तक गुफ्तगू हुई, बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। बोले कि नहीं, एहतजाज जो है हर किसी का जमहूरी हक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस एहतजाज को, सारे दुनिया में एहतजाज हो रहा है और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में भी एहतजाज का परमिशन दिया जा रहा है और यहां तो हुकूमत जो है कि हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट क्लियरली अपना स्टैंड बोल दी है सीएबी बिल के खिलाफ में। अचानक क्या हुआ कि कुछ नौजवान हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब के पास गए, जाने के बाद में ये बोले कि उलमा मशायखीन कुछ नहीं कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी कोई ऐसा एहतजाजी प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। तो मौलाना ने उन नौजवानों के प्रेशर में आके एक एहतजाज करने का वादा किया और एक तारीख का भी ऐलान किया गया सोशल मीडिया के द्वारा। जैसा ही मौलाना जाफर पाशा साहब का ऐलान आया, अचानक से यह हुआ कि दारुसलाम में एक जलसे का ऐलान किया गया और मुस्लिम एक्शन कमेटी बोल के एक ऐलान किया गया। तो उसमें यह हुआ कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो भी लोग थे उनको किसी को दावतनामा नहीं दिया गया दारुसलाम के जलसे का। हम सोच रहे थे कि भाई सियासी इख्तलाफात अपनी जगह है, सब मिलके इस मसले पर काम करना चाहिए क्योंकि जो फिरखा परस्त ताकतें हैं वो बहुत ही मुनज़्ज़िम अंदाज में हमारे पास आ रही हैं। जलसा हो गया, वो जलसा जो है सीएबी के खिलाफ में कम था, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अपनी पर्सनल शोहरत के लिए वो जलसा किया गया। जितने लोगों को बुलाया गया जलसे में उनको जो है एक महदूद लाइन दिया गया बात करने के लिए। किसी को तारीफ, असद को शेर कहा गया, किसी को कुछ कहा गया उसमें, ये सब अपनी जगह है। अब उसके बाद में यह हुआ कि जॉइंट एक्शन कमेटी को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। कुछ लोग ऐसे थे जैसा हमारे तबलीगी जमा हमारे जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान साहब है, इधर भी थे उन्होंने उधर भी जा रहे थे, हमको एतराज नहीं किए, हमारे कन्वेनर को एतराज नहीं किए। कुछ लोग जो है मुस्लिम एक्शन कमेटी बनने के बाद में जो है जॉइंट एक्शन कमेटी में नहीं आने लगे, डर गए वो लोग। तो 26 तारीख के दिन हम लोग जब कमिश्नर से मिले 2 बजे हमारे को ये बोले कि आपकी शाम तक हम परमिशन क्लियर करके दे देंगे। 27 के दिन जो है फिर से एक ट्वीट आया कमिश्नर साहब का कि भाई हम सख्ती से एक्शन लेंगे अगर ऐसा वाकया पेश आएगा तो। हम 27 के दिन फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस से रब्त कायम करके उनको सवाल किए कि साहब आज से कुछ दिन पहले जो है
दारुसलाम में एक जलसा हुआ, आप उसकी इजाजत दिए और कुछ दिन पहले जो है आरएसएस की परेड भी हुई शहर में, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से कुछ प्रेस वाले सवाल किए तो कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने यह कहा कि आरएसएस की जो परेड हुई थी ये परेड जो है मेरे एरिया में नहीं हुई बल्कि राचाकंडा में हुई। यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस ये समझ रहे हैं कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पी तो कोई देखते नहीं। नलगुंडा बस स्टॉप से पूरे सोशल मीडिया में, खुद मेरे फेसबुक पे ट्विटर पे मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को टैग किया, नलगुंडा बस स्टॉप से जो परेड चालू होके दिलसु नगर डी मार्ट से लेके आपके बावर्ची होटल और गए, फिर उसके दो दिन के बाद में एनवीवीएस प्रभाकर एक्सएमएलए जो है एलवी नगर के यार, उन्होंने एक मार्च निकाल, यानी सीएए के फेवर में एक जुलूस निकाले उन्होंने बगैर परमिशन। तो एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप परमिशन दिए, दूसरी तरफ आप जो है आरएसएस को रैली का इजाजत दे रहे, बीजेपी के एक्सएमएलए को आप इजाजत दे रहे रैली निकालने का। तो हम समझ गए कि भाई कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी दबाव में होंगे और ये एक्शन ले रहे हैं। हम लोग क्या किए कि फौरी जो है इमीडिएट हाई कोर्ट से अप्रोच हुई, तो हाई कोर्ट में जो है कि हमारे कुछ दिन रेस्ट, यानी 26 तारीख के दिन हमारे को कुछ रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट जो है 31 तारीख के दिन इसकी सुनवाई करने की तारीख लगाई। 31 तारीख के दिन यह हुआ कि हाई कोर्ट में से फाइल लापता हो गई और नंबर आया 1100 चिल्लर कुछ नंबर आया। हमारे जो वकील साहब थे मीर मसूद अली खान साहब ने बहुत हंगामा किया हाई कोर्ट में, पूरे वकला जमा हो गए और कुछ फिरखा परस्त ज़हनियत रखने वाले भी कुछ वकला वहां पर जमा हो गए कि ये देखना चाह रहे थे कि इनको परमिशन मिलता या नहीं मिलता। हाई कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से हमारे पिटीशन पे गौर करते हुए ये कहा कि एहतजाज करना जमहूरी हक है और ये तमाम बातें की गई। उसके बाद में दरख्वास्त दोबारा पुलिस कमिश्नर से देने की अपील की, हम फिर से फ्रेश एप्लीकेशन गिरी है और फिर से जो है एचएमडीए को 11,000 रुपए बने जो निकलेस रोड पे पीपल्स प्लाजा है। हम चाह रहे थे कि भाई हमको ये यकीन था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग आने वाले हैं और सारे हिंदुस्तान में ये बात कही जा रही थी कि भाई पूरे जगह एहतजाज हो रहा, हैदराबाद जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त है हैदराबाद। आप देखिए जब गुजरात का वाकया हुआ तो ये हैदराबाद के लोग 2-3 करोड़ रुपए जमा करके भेजे, फिर उसके बाद में कश्मीर में जलजला आया तो हम हैदराबादी लोग आगे बढ़े। आखिर हैदराबाद क्यों खामोश है? पूरे गल्फ से मुझे फोन आ रहे थे, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कई लोग मुझे फोन कर रहे थे। अब बाद में ये हुआ कि हम फिर से पुलिस कमिश्नर करने गए और 4 तारीख के दिन मिलियन मार्च का ऐलान करे। 2 तारीख से फिर पुलिस कमिश्नर शुरू कर दिया ट्वीट करना, मैसेज आ करना। 3 तारीख के दिन हमारे को परमिशन की कापी शाम में 6 बजे बुला के दिए, दरखास्त गुजार पूछ रहा 1 मिलियन मार्च और कमिश्नर साहब हमारे को जवाब दे रहे हैं कि आपको हम जो है धरना प्रोटेस्ट की इजाजत देते ना, शुड नॉट असेंबल मोर देन 1000 लोग बोले। अब आप बताइए कि क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद बदमाशी कर रहे थे, ये नहीं समझ में आ रहा था, कहीं ना कहीं उनको कोई फिरखा परस्त अनासिर का दबाव था बीजेपी आरएसएस का। अच्छा, फिर इस दरमियान ये हुआ कि इसी धरना चौक पे किशन रेड्डी साहब की खयादत में तेलंगाना बीजेपी वाले एक प्रोटेस्ट मीटिंग करे, जुलूस निकाले, रैली निकाले, मशीराबाद से एक रैली निकली लक्ष्मण साहब की सदारत में, राजा सिंह की सदारत में गोशा महल से रैली निकली। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस आंख मन मूझ के रह गए, वो जो ट्वीट हो रहा था हमारे खिलाफ में वो ट्वीट बीजेपी के खिलाफ में नहीं देखने में आया। अब ये हुआ कि अब हम तो सर पे कफन बन के निकले हुए थे कि जो होता देखेंगे बोल के, तो अल्लाह ताला हमारी इज्जत रखा, हमारी नीयत को देखा अल्लाह ताला के बावजूद इसके के आप देखिए हिंदुस्तान की तारीख है, जो भी मिलियन मार्च होता या जो भी प्रोटेस्ट होता वहाँ कहीं ना कहीं तशद्दुद होता, फिरकावारानी फिसादात होते। खुद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगह पे जो सीए के खिलाफ में जो हो रहा, अब ये हुआ कि वो बहुत बड़ा कामयाब हुआ, एक पत्थर में एक वाकया पेश नहीं आया कोई। तो अब पुलिस कमिश्नर साहब जो है बदले की भावना गुस्से में आ गए कि तुम इतनी पब्लिक कैसा जमा करे, बीजेपी को खुश करने, आरएसएस को खुश करने, एमआईएम को खुश करने 25 केसेस डाले ऑर्गेनाइजर्स पे, तारीख में
آندھرا پردیش کی تاریخ میں، تلنگانہ کی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں، تلنگانہ ایجیٹیشن کی تاریخ میں کوئی ایسا پروٹیسٹ ہونے کے بعد میں 25 کیسز آج تک نہیں ڈالے، اور سب میں ٹارگٹ کرے جناب مشتاق ملک صاحب کو. تو ان کا مقصد یہ ہے پولیس کا کہ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا دکھ رہا کہ ہمارے کمشنر آف پولیس جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ چیف منسٹر کے فالوور دکھ رہے ہیں. یوگی صاحب جو ہے انہوں مسلمانوں کا جو تشدد ہوا تھا پولیس فائرنگ میں مسلمان مر گئے 8، بولے کہ میں بدلا لوں گا بولے. تو آپ بتائیے کہ ایک چیف منسٹر ہوتے ہوئے ایسی گفتگو کرنا اتنے بڑے تخت پر بیٹھ کے، تو اور کمشنر آف پولیس کا بھی بدلے کی بھاونا میں غصے میں آ گئے. تو 25 کیسز بک کرے، آپ بتائیے آپ کہ 25 کیسز بک کرنے سے ہوتا کیا بتائیے آپ. اب اس میں کیسز میں کئی لیکونا ہے، کئی ایسے مقامات ہے، بچہ گاڑی لے کے جا رہا باپ کے نام پہ، باپ سعودی میں کام کر رہا، باپ کے نام پہ ایف آئی آر ایشو کر دی ہے، اور ٹریفک کنجیشن بول رہے ہیں، ٹریفک والے کمپلینٹ دینا، لائن آرڈر والے اس میں کیسا کمپلینٹ دیتے بتائیے آپ. خیر یہ ایک عدالتی جنگ ہے، ہم برابر جائیں گے، ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. ایسے کئی کمشنر آئے اور کئی کمشنر چلے گئے، لیکن حیدرآباد کی جو لوگ ہیں وہ ہم وہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں جو ہے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوں، وسیع ذہن یعنی سوچنا تھا، بڑے ذہن سے بڑے دل سے کام کرنا تھا، ہم کو بلا کے مبارکباد دینا تھا کہ بھائی ایسا ہوا. اب یہ جیسا ہی ہوا، جس دن ہمارا ملین مارچ تھا اس دن بھی افواہیں اڑائے، پورے ہمارے جو بھی سیبوٹائج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی، روزانہ یہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ صبح میں یعنی 4 تاریخ کے دن کمشنر آف پولیس کا بیان آ رہا کہ پرمیشن 1000 آدمی کا دیا گیا ہے، اور پورے مخالفین یہ بول رہے ہیں کہ پرمیشن کینسل ہو گیا. اس کے باوجود اللہ نے ہمارے ملین مارچ کو کامیاب کیا. ہم امید کر رہے تھے 1 ملین، لیکن وہ 2-3 ملین کیا کراس کر دیا، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے. اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اسی دن ہی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جو ہے ایک جوائنٹ ایکشن، ان کا جو مسلم یونائٹیڈ کمیٹی کیا ہے پتا نہیں مجھے، سنگا ریڈی میں جلسہ کرے، وہاں جلسے میں اعلان کرے کہ اب میں بھی مارچ نکالوں گا. اب یعنی دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. تو ٹھیک ہے، چلیے حیدرآباد کے نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں جو ان کو سوشل میڈیا پہ تنگ کر کے دلہن کو چرمن سے باہر لائے، بہت اچھی بات ہے، آئے دیر آئے درست آئے. پھر اس کے بعد میں بولے کہ میں 25 تاریخ کے دن جھنڈا چڑھاؤں گا. ارے جھنڈا کیا، پیدا ہوئے جب سے جھنڈا نہیں چڑھائے، آپ بہت جھنڈے چڑھائے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب ریلی کے لیے 2-3 دن سے چل رہا ہے انتظامات، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے کہ کل ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پرسوں میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے کنوینر جناب مشتاق ملک صاحب نے سب کی متفقہ رائے پہ ہمارا یہ اعلان ہے، مجلس بچاؤ تحریک کا بھی وہی لائن آف ایکشن ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی وہی لائن آف ایکشن ہے، جتنے بھی سی اے بی بل سی اے کے خلاف میں یا این آر سی کے خلاف میں جو بھی احتجاج ہو رہا ہے، ہم جو ہے اس احتجاج میں مکمل تعاون کریں گے. عوام کو اپیل کریں گے کہ آپ جاؤ، سیاست میں سر گرے جاتے ہیں، یا ہمارا مخالف جو ہے بی جے پی آر ایس ایس ہے. اب یہاں پر ہم اپنے سیاسی اختلافات کو اگر رکھتے ہوئے میں آپ کی ٹوپی اچھالوں گا، آپ میری ٹوپی اچھالیں گے، دونوں کو ختم کر دیتی آر ایس ایس دا، یعنی ہو سکتا کہ آج میرا خاتمہ ہو جاتا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کا خاتمہ ہو جاتا. اگر آپ یہ اوور کانفیڈنس میں ہیں کہ میرے کو ختم کر کے آپ زندگی بھر راج کریں گے، ہر شخص کو مٹھی کی غذا بننا ہے، لیکن جس طریقے سے غازی ملت جاتے جاتے اپنی سوچ چھوڑ کر گئے، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی کرے. کل پریس کانفرنس ہوا دارالسلام میں، بولے کہ میں میرے پورے مخالفین کو میں دعوت دیتا ہوں. ارے بھائی آپ پڑھے لکھے ایک لیڈر ہے، آپ جو ہے لندن سے بیرسٹری کرے ہیں، آپ 10-15 سال سے آپ ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، تو آپ بتائیے کہ آج سے کچھ دن پہلے اکبر الدین اویسی فلک نما کے جلسے میں بولے تھے کہ میں اتحاد کے لیے تیار ہوں، دارالسلام کے دروازے کھلے، تمام مخالفین آ جاؤ. تو کیا اتحاد ایسا ہوتا بتاؤ، دروازے سے آ جاؤ، کھڑکی سے آ جاؤ، تنبی سے آ جاؤ، روشن دانی سے آ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ کی نیت صاف ہے نا، اگر واقعی آپ اتحاد کرنا چاہ رہے تمام کو، تو آپ جو ہے آپ کا ایک لیٹر پیڈ پہ دعوت نامہ دو، میں تو کھلا اعلان بول رہا ہوں، اگر آپ دعوت دیے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں.
अब क्या होता अगर फर्ज करिए मैं अगर गया अपनी खुदी से, अगर कुछ वहां वाकया शरपसंदी का पेश आया, या मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो भी पूरा मन गुजरे, तो अरे देखो भाई नु आए इस वास्ते ऐसा वाकया पेश आया, ये बात आती। फिर दूसरी चीज जो है, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप जा रहे हैं, तो जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो उनको शुरू दिन से बोल रहा हूं भाई अगर जो है ये मुस्लिम यूनाइटेड जो भी फोरम कमेटी रैली जो है, अगर आप लिखत आवत नमा दियो भाई, खाली अमजद उल्लाह खान के पीछे कई को पड़े हुए आ रहे क्या आ रहे क्या, जितने आपके मुखालिफ है ना आप जाओ सियासत के दफ्तर पे जाओ, आप जाके उनको दावतनामा दियो, जायद अली खान साहब को, आपका माजी भूल जाओ, जानने दो, जो आदमी गुसूल काबा करा आप उसके ऊपर गिलाजत दलाए, उन्हें माफ कर दिए, आप जाओ छोड़ो भाई ठीक है, अपने जो भी है सियासी इख्तलाफात मुकामी अपन लड़ लेंगे, आप ये रैली में आओ बोलो, आपके वालिद खुद उनकी सदारत में मुशायरा कराते थे जायद अली खान की, आप खान लतीफ खान साहब कहने जाओ, उनको दियो आप दावतनामा, आप विखार पाशा बेचारे रहनुमाए दखन के बहुत अलील है बेचारे बिस्तर पे है, आप कभी गए नहीं मिजाज कुर्सी को, उनकी इख्तलाफात अपनी जगह, आप देखिए अगर कोई बीजेपी आरएसएस का लीडर अगर बीमार पड़ा हुआ है तो दूसरे पार्टियां वाले जाके उसकी मिजाज कुर्सी करते हैं, हमारे कहीं क्यों नहीं है वो ऐसा कल्चर, वन मैन शो कब तक चलेगा बताइए आप। तो अब इसमें ये हुआ, तो आपकी नीयत नहीं है एक्चुअल, आप ये देखिए कि आपकी नीयत नहीं है कि इत्तेहाद होना हैदराबाद में, आप जो है अपने सियासी मुखालिफिन को आप जो भी सर उठाया जो भी जबान खोला उसको कुचल देना चाह रहे हैं, आप पुलिस से कुचल देना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडिया में उसको गालियां देके कुचल देना चाह रहे हैं, कब तक आप अवाम को बेवकूफ बनाते। अल्लाह ताला जो है फिरौन को भी फिरौन के खानदान को भी भोत दिया था मौका, लेकिन जब अल्लाह ऐसा रस्सी खींचता ना तो होने मुंह गिरते। एक मिलियन मार्च में जो है एक फोटो देखा मैं, बड़ी हंसी हुई मुझे देख के, वो खयादत जो दावा करती थी कि हम किसी के पास नहीं जाते, इंदिरा गांधी दारू सलाम आई हमारे कहने, इलेक्शन में जो है मोटरसाइकिल पे केसीआर करने चले गए, यानी सियासत हमारे घर की लौंडी बोलती है, लौंडी गली गली फिर रही, ऐसा हो गया यहां पर। अब परसों एक फोटो देखा वहीं, मुमताज खान कुर्सी पे बैठे हुए, मुमताज खान के पैरों में बैठे हुए आप नीचे, तो क्या उनके घुटने खराब हो गए या इनके दिना खराब हो गए समझ में नहीं आ रहा। तो खैर ये बात है कि हम हमारी नीयत साफ है, अवर लाइन इज वेरी क्लियर, इसी के रिटर्न दावतनामा या कम से कम टेलीफोन करिए। अरे टेलीफोन करने में कई कोई शर्मा रहे हैं, बोला कि आपका कत्लेआम हो जा रहा, आप हमारे घर आके दावतनामा दिए। तो जो शख्स अमान उल्लाह खान की मौता में नहीं आया उससे क्या उम्मीद करते जी आप इत्तेहाद की? अरे जो अमान उल्लाह खान 40 साल अपनी खिदमत किया, आपको जो है अपनी जवानी दे दिया, आपके खानदान को सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत बना के पेश करने वाले का नाम अमान उल्लाह खान, वो शख्स के इंतकाल में आप जो है जनाजे में पटाखे फुड़ाए, आप कैसा उससे इत्तेहाद की उम्मीद कर सकते बताओ आप? अल मक्कार वल कज़्ज़ाब, समझे आप मेरी बात को? तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आ रहे हैं क्या जा रहे हैं क्या, ये सब वाकियात नहीं मालूम ये लोगों को, मासूम बच्चे हैं हम, फिर हमारा लेना फैक्शन क्लियर है कि दावतनामा मिला तो हम जरूर देंगे।